जब उस सुदामा के अंदर कंगाली टोटा आ जाता है, अपने बचपन के यार, अपने बचपन के दोस्त श्री कृष्ण जी के दरवाजे पर आ जाता है। ये कंगाली, ये टोटा नादाने आदमी को थांका भटका देता है। सुदामा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, द्वारपालों से प्रार्थना करने लग जाते हैं। एक रागनी के माध्यम से कवि ने किस तरह से बताया है आप लोग सुनेंगे। Fuck!
नसल पे आप जानेगा हर मेरी कहानी
पीयूष यादव छोटा बच्चा गादोद निवासी 50 वाले 10 रुपए और दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और श्रीमान जी कमल जी बहरोड निवासी, वो भी 10 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक भजन और सुनाते हैं। कहते भाई कोई भी भगत किसी भी देवता का सच्चे दिल से आराधना फरियाद विनती करने लग जाता है, उसे कोई पागल कोई दीवाना बताता है, कोई कुछ कोई कुछ समझता है, तो एक लाइन बताया है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। हाँ साथ ही आ रहे एक लाइन बोल रहा हूँ, साथ ही हाँ रागनी सुना रहा हूँ, हाँ रागनी सुना, इंटेंस समझ लो, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी बस पागल समझता, सुनाने जा रहा हूं। इसमें एक एक बोल बड़े सुनने लायक हैं और हमारे जो नौजवान साथी आजकल कंपटीशन की तैयारी करते हैं खासकर उनके लिए कवि ने बड़ी सुंदर रचना बनाई है, तो आप लोग सुनेंगे। गावणिया ही
देवता कितने आया और कर राक्षस का भेष देवता कुल के युग दी मनाया। अन्न धन का भंडार भरा ना धाता भूखा खाया, हुई जल पर ले मैं कसर कहा फिर पीवण ने ना जल। आइए नंबर तीन सुनिए।